नारियल तोड़ने के बाद आप नारियल की करवंडी को ना फेंकें, क्योंकि इनसे आप बहुत खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्केच पेन, थोड़ा कागज़ दरकार होगा। पहले दोनों करवंडियों पर रबर का गूंद लगाएं, फेविबॉन्ड लगाएं। इसे चंद मिनटों के लिए सूखने दें। फिर नारियल की दोनों करवंडियों को आपस में दबाकर जोड़ दें। अब ये पूरा नारियल जुड़ गया। आप इसे गौर से देखेंगे तो कुदरती तौर पर दो आँखें और एक मुंह नज़र आएगा। फिर एक काला कागज़ लें और इसे गोल गोल घुमाकर ट्यूब बना लें और चपटा कर दें ताकि एक दुम बन जाए। फिर आँख बनाने के लिए दो गोल कागज़ लें और स्केच पेन से आँखों की पुतलियाँ बनाएं। फिर काले कागज़ को मोड़कर एक मखरूत बनाएं जो नाक बन जाएगी। ये आँख, नाक, कान और मूछें हैं, इन्हें चस्पा कर दें। गोंद लगाकर कुछ देर सूखने दें और फिर दोनों आँखें चस्पा करें। दाएं बाएं तरफ मूछें चस्पा करें। और दरमियान में ये नाक लगा दें और आखिर में दुम चस्पा कर दें। नारियल से ये दिलकश फनकारी तैयार हो गई। इसे एक रिंग पर रखें और अगर आप इसे घुमाएं तो आपको ये बहुत दिलचस्प महसूस होगा।